नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। मैं आप सभी को बात करने वाला हूं कि सीजीपीएसई की तैयारी कैसे करें, इसका एग्जाम कब है और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कब है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे तैयारी करना है तो देखिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीजीपीएसई प्री एग्जाम, इसके बाद हम बात करेंगे व्यापम की, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले सीजीपीएसई की तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका सामान्य अध्ययन के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है। और देखिए जो लोग फॉर्म अभी तक भरे नहीं है तो जल्दी से जाइएगा, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और साथ ही इसके अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 20 दिसंबर को है, ठीक है, इसका अंतिम तिथि आपका 20 दिसंबर को है। इसलिए देरी ना करते हुए जल्दी से जाइएगा, फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा सीजीपीएसई प्री एग्जाम की तैयारी के लिए। जो लोग फॉर्म नहीं भरे जल्दी से जाइएगा, फिलअप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, ठीक है। तो इसका जो परीक्षा होने वाली है प्री एग्जाम का, उसका आपका 12 फरवरी 2023 को स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, संभावित मान लीजिएगा 12 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी सीजीपीएसई एग्जाम का, ठीक है। और जो लोग प्री एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जा रहा है सीजीपीएसई प्री एग्जाम का। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान दोनों क्लासेस करवाऊंगा, साथ ही एप्टीट्यूड यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, साथ ही गणित की तैयारी भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। जो लोग सीजीपीएसई में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान करना चाहते हैं तो जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बारे में बात करते हैं सीजीपीएसई के बारे में। तो सबसे पहले देखिए सीजीपीएसई के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न पत्र पहला देखेंगे सामान्य अध्ययन का। तो देखिए यहाँ पर आपका भाग वन और भाग दो में 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि भाग वन और भाग टू यानी कि दो रहेंगे, उसमें 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंकों का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक यानी कि 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि होगी जिसमें 2 अनिवार्य प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें सही गलत आपको पहचान करना है, ठीक है। अब बात करें कि प्रथम प्रश्न पत्र में, यानी कि सबसे पहले प्रथम प्रश्न यानी कि पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें प्रश्न यानी कि कितने प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको 200 अंकों को दिया जाएगा, ठीक है, और समय आपका 2 घंटे रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर निर्धारित अंक 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि दूसरी प्रश्न यानी कि दूसरा पेपर आपका रहेगा योग्यता परीक्षा, यानी कि योग्यता परीक्षा रहेगा जिसमें आपका 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का होगा, ठीक है। अब न्यूनतम अर्हता के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को और न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अहकारी प्रतिकृति होगी, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएसई की तो हमारे चैनल पर कराया जाएगा, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं व्यापम की, ठीक है। व्यापम में आपका हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, एडीओ, जितने भी परीक्षाएं होती है व्यापम को, उसमें मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान कराने वाला हूँ, साथ ही गणित की तैयारी भी करा चुका हूँ, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सबसे पहले सीजीपीएसई प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब देखिए सीजीपीएसई में टोटल 189 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। कितने पदों पर? 189 पदों पर टोटल वैकेंसी निकल कर आई है। अब देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का टोटल मैं आपको कराने वाला हूँ। देख जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा भी गया है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान है ना। अब जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।